एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो आज का जो वीडियो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जिसके लिए मेरे पास जो है कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और मैंने मतलब एक ने पूछा था कि मैम मेरा नाम रूपा है, टैटू बनवाना चाहती हूँ मैं, और कौन सी जगह परफेक्ट होती है हमारे लिए जो है टैटू बनवाने के लिए। सो आज का टॉपिक है टैटू के लिए, जो कि मेरे पास कमेंट आए थे। और मतलब ना बहुत से लोग टैटू करवाना चाहते हैं बॉडी में, तो उनको जो न्यू होते हैं तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि यार हम किस जगह जो है हम टैटू बनवाएं। सो आज का वीडियो इसी पर है, जो कि मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप लोगों को कि सबसे अच्छा जो है ना आप लोगों को क्या जो है मिल जाएगा, किस बॉडी की आप बॉडी के किस हिस्से पर जो है ना सबसे बेस्ट टैटू बनवाएं, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्रेंड लगेगा एंड बहुत उसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और इससे कोई ड्रेस वगैरह पहनेंगे तो उसमें मतलब ना बहुत ही अलग सा लगेगा। सो आज का इसी बारे जो है मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करी हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो जो है पसंद आया था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो है मेरे पास जो कमेंट आए थे, तो मैं देखिए मुझे अगर मैं कभी अगर टैटू बनवाऊँ सच बता रही हूँ तो मुझे सबसे अच्छी मुझे ना ये वाली जगह लगती है। अगर आप नॉर्मली किसी का नाम लिखवाना चाहते हैं या नॉर्मली कोई भी डिज़ाइन, देखिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बड़ी तो हम नहीं बनवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है मतलब टैटू वगैरह में, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे कुछ नाम या कुछ जो है ना वो यहाँ पे लिख बनवाना चाहूँगी। या दूसरा ऑप्शन आप ना इस जगह पे करवा सकते हैं, इस जगह मतलब ना हमेशा बॉडी में इस टाइप का टैटू मैं करवाना चाहूँगी जो कि वो दिखाई दे तो ज़्यादा ही बहुत अच्छा लगेगा। हम अगर बिल्कुल वैसा टैटू करवाएंगे जो कि हमारे मतलब किसी को दिखाई भी ना दे तो ऐसा टैटू कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्या मतलब है उसका मतलब बनवाने का। तो मैं इसी टाइप का जो है ना टैटू बनवाऊंगी जो कि सबको अच्छा लगे, दिखाई दे और मतलब थोड़ा सा न्यू लुक कर दूँ। सो बहुत सी ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी में जो कि हम लोग टैटू बनवाना चाहते हैं, पर क्या है कि जो न्यू लोग होते हैं ना उन्हें ये चीज़ का पता नहीं होता है, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि यार हम मतलब कहाँ पे टैटू बनवाएं, कहाँ अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोगों को डर भी होता है कि यार मतलब यहाँ टैटू बनवाना मतलब प्रॉब्लम ना। सो सबसे और बहुत से लोग गर्दन के नीचे टैटू बनवाते हैं, इस जगह पे गर्दन के नीचे बनवाने से ना टैटू बनवाना आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ना। और पर यह है कि वहाँ पे जो है ना इस टैटू को बनवाने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, और दिक्कत आने का इस टैटू को बनवाने के बाद आपको उसकी केयर खुद ज़्यादा ही करनी पड़ती है। मतलब अगर आप गर्दन के नीचे करवाएंगे इस जगह पे, और बालों से जो है बचाना पड़ेगा आपको टैटू अगर आप यहाँ पे करते हैं। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो, बट आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल वीडियो हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। सो आप लोग कोशिश करिए कि प्लीज़ जो है आप लोग पूरा देखिए। मैंने इस पर और भी एक वीडियो बनाया है टैटू पर, जो बेली बटन का है ना मैंने वो बनाया है। सो कई लोग टैटू लगवाने से पहले जो है कई चीज़ें करते हैं, और इस बात को आप एक चीज़ और है आपको बता दूँ, और टैटू बनवाना जो है हर किसी के बस में नहीं है क्योंकि टैटू ना बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, टैटू बनवाने में बहुत ज़्यादा पेन आपको झेलना है, तो इस चीज़ को आपको पहले से जो है ना तैयार रहना। और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ कान के पास जो है इस जगह पर बनवाना चाहते हैं, तो इस जगह पर भी वही है कि मतलब ना आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा बालों से मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। और कलाई के अंदर मतलब ना कई ऐसी जगह है जो हम यहाँ पर बनवाना चाहते हैं, इस जगह बनवाते हैं। खासकर ज़्यादा टैटू आप हैंड में ही ज़्यादा देखेंगे, जो कि नॉर्मल अगर लेडीज़ बनवाती हैं तो वो हैंड में ही पसंद करती हैं लगाना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है। और कलाई में टैटू बनवाना भी आपको काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बिकॉज क्या है ना आप कहीं भी बॉडी में करवाइए आपको ना केयर तो करनी पड़ेगी, और कलाई का क्या हैंड पड़ जाता है हमें काम वगैरह करना है, तो हमें टैटू काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी पड़ता है। और कई लोग टैटू छुपाना पसंद करते हैं कि जैसे अगर किसी का नाम लिखवाते हैं पे टैटू का है, टैटू से नाम हम लोग वगैरह लिखवाते हैं तो उसे छुपाना पसंद करते हैं, तो जैसे कलाई में ब्रेसलेट पहन लेते हैं या वॉच पहन लेते हैं, तो इस तरह से लोग छुपाना पसंद कर जाते हैं। तो वैसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मुझे तो अच्छा ही लगता है अगर टैटू होता है इस तरह से दिखाएंगे, मुझे बहुत पसंद है टैटू। पर क्या ना दर्द की वजह से मुझे बहुत डर भी लगता है, मतलब डरने वाली वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। और काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन भी चल रही है आजकल, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन चल रही हैं, और बहुत सी अच्छी अच्छी मुझे डिज़ाइन अच्छी लगती हैं। तो कई लोग गर्दन के नीचे हैंड में इस तरह से जो है टैटू बनवाती हैं, कान के यहाँ पे इस जगह पे अंदर भी बनवाती हैं कई लोग, तो बहुत अलग अलग टैटू बनवाने का तरीका है, कान के पीछे में और हैंड में इस जगह। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तो बॉयज़ आप देखेंगे तो बॉयज़ अपने जो है ना मसल्स में बनवाना पसंद करते हैं ज़्यादातर, मतलब ना इसी तरह से जो है टैटू बनते हैं, उंगलियों में टैटू बनते हैं, मतलब
टैटू बनवाने की बहुत सी जगह है, बट मेरे पास जो कमेंट आया था तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि जहाँ आपको पसंद है आप वहाँ बनवाइए, तो मतलब वहाँ बनवा सकते हैं, कि आपको कहाँ पसंद है, आप कहाँ बनवाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कमेंट किया था कि आपको जहाँ अच्छा लगता है, सही लगता है, आप वहाँ पे करवाइए। क्योंकि जैसे पियर्सिंग की बात है, बॉडी पियर्सिंग में कई ऐसी जगह होती है जो लोग पियर्सिंग भी करवाते हैं, बट मुझे हर जगह पियर्सिंग करवाना पसंद नहीं है। जहाँ पे मैं करवाना चाहती हूँ सिंपल हो, ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना हो, मैं वहीं पर करवाती हूँ। और टैटू की अगर बात किया जाए तो टैटू तो बॉडी में बहुत सी जगह हम करवा सकते हैं, टैटू के लिए कोई मतलब वो नहीं है। बट क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया ईयर के पीछे, गर्दन के पीछे, वहाँ पे आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और टैटू में क्या, अगर आप करवा लेते हैं तो पानी वगैरह चला भी जाए तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि उसको बस थोड़ी बहुत आपको केयर करनी पड़ेगी, जो वो लोग जेल वगैरह देते हैं टैटू में लगाने के लिए। तो मेन चीज़ है ना कि आप उससे जो है उसको उस पर जो है ध्यान दें, कि जो जेल आपको देते हैं वो, तो आप उस पर ध्यान दें कि उसे आप अच्छे से लगाएं। और उसकी मतलब आपको इतनी केयर करनी होती है, क्योंकि वो जेल वगैरह से मतलब देता है कि मतलब काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैंने पूछा था एक बार टैटू के लिए, क्योंकि जहाँ टैटू वगैरह यहाँ पे होता है वहीं पे सेप्टम पियर्सिंग वगैरह होती है। तो इस चीज़ें मुझे थोड़ा, मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था, तो उसी मैंने कहा मुझे वैसे टैटू करवाना नहीं है, सेप्टम करवाना है। और इसलिए मेरे बहुत से व्यूवर्स वेट भी कर रहे हैं, बहुत से डेली कमेंट्स मुझे सेप्टम के आते रहते हैं हर वीडियोज़ में। कुछ लोग कहते हैं आपने वादा किया निभाया नहीं, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मैं अब इसके बारे में बात ऐसे नहीं होगी। तो टैटू की अगर बात करते हैं तो टैटू आप बनवा सकते हैं जहाँ आपकी बॉडी आपको, जहाँ आपको पसंद है अपनी बॉडी में, तो आप वहाँ पे जाके जो है टैटू बहुत उसी जगह बनवा सकती हैं। वैसे मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होता है इस जगह पर टैटू करवाएं, या आप अपनी कलाई में इस जगह पर टैटू करवाएं, मतलब इस टाइप में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइप में जो है ना टैटू बनवा सकती हैं, अगर आपको पसंद है तो। सो आई होप आप लोगों को मेरी जो है ना वीडियोज़ पसंद आए होंगे, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टैटू के लिए आपको डरने की बात नहीं, अगर आपको पसंद है तो आप करवा भी सकते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हो सकता है कि चल के मैं टैटू करवाऊँ अगर मुझे पसंद होगा तो, मतलब डर इतना ज़्यादा ना लगे तो मैं ज़रूर करवाना पसंद करूँगी टैटू। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।